चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। इस साल की सबसे बड़ी चर्चित फिल्म पद्मावती का ट्रेलर YouTube पर जारी कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा और इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। अब तक लाखों लोगों ने पद्मावती फिल्म को ट्रेलर देख लिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और संजय लीला भंसाली के काम लोग जम के तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी भी आपने पद्मावती ट्रेलर नहीं देखा है तो इसे एक बार जरूर देखें। एक ऐतिहासिक कहानी को सबसे बड़े खूबसूरत तरीके से पर्दे पर दिखाने का काम संजय लीला भंसाली ने बखूबी किया है। फिल्म सुपर हिट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या दूसरी फिल्म की तरह रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, यह एक अहम सवाल आता है। फिलहाल हम पद्मावती की तुलना एस राजा मौली की बाहुबली 2 से कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास की फिल्म बाहुबली का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो केवल पद्मावती। पद्मावती फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तो यही लगता है कि यह फिल्म बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जिस तरीके से पद्मावती में भव्य सेट का निर्माण किया गया है और रणबीर कपूर का बेहद खतरनाक लुक दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है, तो वहीं शाहिद कपूर की एक्टिंग की भी लोग ट्रेलर में जम के तारीफ करते दिख रहे हैं। जिस तरह दर्शकों को बाहुबली फिल्म के इंतजार के बाद बाहुबली 2 का इंतजार था, ठीक उसी तरह दर्शकों को बाजीराव मस्तानी के बाद रणवीर की पद्मावती का इंतजार है। बाहुबली 2 एक काल्पनिक कहानी थी जबकि पद्मावती सच्ची और हिंदुस्तान की कहानी है। बाहुबली 2 में लोग प्रभास और अनुष्का शेट्टी के रोमांस को देखना चाहते थे, लेकिन पद्मावती में फैंस रणवीर सिंह के लिए दीपिका पादुकोण की नफरत देखना चाहते।